नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम उपवास आलू पराठा बनाएंगे। वैसे तो हमने उपवास की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे कि उपवास दही वड़ा, पिज्ज़ा और भी कई सारी रेसिपीज़, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। तो आइए देखते हैं उपवास आलू पराठा कैसे बनाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे। तो यहाँ पे 2.5 कप राजगिरी का आटा, 2 कप सिंगारे का आटा, नमक स्वादानुसार, ये उपवास का नमक है, आप जो भी नमक खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच घी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पराठा फट जाता है ज़्यादा घी या तेल डालने से। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी तेल ले आते हैं, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई मूँगफली का तेल ही यूज़ करता हो, कभी सोयाबीन का तेल ले आते हैं, कभी सनफ्लावर का, तो वो सारे तेल जो है हम उपवास में नहीं खा सकते, इसलिए इसमें घी डालना बेटर है और घी हेल्दी भी है। ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी जैसा सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। मैंने 4.5 कप आटे में 300 ml पानी यूज किया, एकदम नरम आटा है। क्या होता है ना कि राजगिरी में ग्लूटेन तो होता नहीं है, तो आटा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, इसलिए इसमें सिंगारे का आटा ऐड करना पड़ता है और थोड़ा नरम आटा रखना पड़ता है, जिससे हम इसे बेल सकते हैं। आटा भी तैयार है, इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे और तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। अब हम सारे मसालों को मिक्सर में पीसेंगे। हरी मिर्च, जीरा और हरा धनिया, इनके एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। देखिए ये मसाला पीसकर तैयार है, इतना बारीक ये मसाला होना चाहिए। अब हम आलू को मैश कर देंगे। इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी परमिशन मुझे नहीं है, तो मुझे इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें सारा मसाला डालेंगे। ये हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि आलू में चम्मच से कभी भी मसाला ठीक से मिक्स नहीं होता है, वो एक जगह पर जमा हो जाता है। अब ये सारा मसाला जो हमने पीसा था ये इसमें डाल देंगे। देखिए मिर्ची मैंने 15 से 20 ली है, क्योंकि इसमें और कोई मसाला डालना ही नहीं है तीखे पर, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए। ये मेरा सीक्रेट मसाला है, मैं साबूदाना खिचड़ी में भी यूज़ करती हूँ, और 2 तरह की साबूदाना खिचड़ी मैंने बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर उपवास वीडियो क्लिक करके सारे उपवास की रेसिपीज देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। पूरा महीना अगर आप उपवास करते हैं तो आपके लिए रेसिपीज खत्म नहीं होती, और नई नई है इस बार फिर बनाने वाली। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। एक नींबू का रस डालेंगे, आप चाहे तो आधा भी डाल सकते हैं, तो ज्यादा खट्टा नहीं चाहिए तो, और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू जो है एकदम ठीक से ब्रेक होने चाहिए, और आलूओं के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, कोई भी आप आलू का स्टफिंग बना रहे हैं तो आलू को 1 कप में पहले बॉईल करके रखें, अगर बॉईल करके तुरंत यूज़ करेंगे तो वो नरम पड़ जाते हैं और स्टफिंग ठीक से नहीं होती है। आलू जो है बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, उबले हुए आलू डायरेक्ट कभी ही नहीं रहने चाहिए।
कुछ लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो इसकी वजह से भी ये स्टफिंग नरम हो जाता है, तो उनके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और पराठे बनाने हैं हमें तो आलू एकदम अच्छे से मैश होने के लिए उसमें ज़रा भी टुकड़े नहीं बचने चाहिए, तो पराठा फट सकता है। वैसे मेरा उपवास रेसिपी में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट उपवास बटाटा वड़ा है, मैंने सबसे पहले बनाया था, और उसकी रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें, और वीडियो के स्क्रीन पर ऊपर कार्ड भी आएगा, उस पर भी आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। मैंने उपवास दही वड़ा भी बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। और अगर श्रावण महीने में बच्चे उपवास करते हैं तो मैंने उपवास पिज्जा भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं बताने जाऊंगी कितनी उपवास की रेसिपी बनाई है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये मिक्स हो चुका है और हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटा तैयार है, मैं इसमें थोड़ा सा आरारोट डालूंगी। आरारोट जो होता है शकरकंद का स्टार्च ही होता है। अगर आप उपवास में ये नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे भी पराठा बना सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, एक दो चम्मच। इससे क्या होगा कि आटे में थोड़ा सा बाइंडिंग होगा और पराठा बेलने में थोड़ी आसानी होगी। आपने सोचा होगा कि मैंने आटा गूंथते वक्त ही क्यों नहीं डाला, इसका कारण ये है कि ये जो आटा है ना थोड़ा स्टिकी हो जाता है, फिर पराठा स्टिकी हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से नहीं डाला। जब हमें पराठे बनाने हैं तब उसमें हम डाल सकते हैं। मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा घी डाल के ग्रीस कर देंगे। आटा तैयार है, अब हम पराठे बनाएंगे। सबसे पहले हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेंगे क्योंकि ये जो आटा हमने गूंथा है वो चिपचिपा है, और इसमें से आटे का गूंदा लेंगे। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहते हैं इतना बड़ा बना लो, हाथ को बार बार घी लगाना पड़ेगा। इसकी हम कटोरी बनाएंगे। और इसमें स्टफिंग डालेंगे। इसे हम बंद करेंगे। अब इसको हम आरा रोट में डुबोएंगे इस तरह से, क्योंकि ऐसे ही इसको बेलना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, जरा भी इस पर वजन नहीं देना है। अगर वजन देंगे तो पराठा फट जाएगा। इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा बेलने जाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब इसे हम सेक लेंगे। तवा मैंने गरम कर लिया है, जैसे मैंने इसी में एक पराठा बना लिया, क्योंकि बच्चों ने जब स्टफिंग देखा तो उनको खाने का मन करने लगा, और क्यों ना हो, क्योंकि उनकी मम्मी 2 साल बाद नई नई रेसिपीज बनाने लगी है तो उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उन्होंने कहा कि अपने व्यूअर से पहले हमें टेस्ट कराओ, फिर मैंने उन्हें टेस्ट कराया, हमने आपके लिए बना लिया। अभी तवा गर्म हो चुका है, पराठा बिल्कुल भी हल्के हाथ से अगर ना हो तो इस तरह से उठाकर आप तवे में डाल दीजिए, और इसे अच्छे से एक तरह से पकने दें, बिल्कुल भी इसे हिलाना नहीं जब तक एक तरफ से पक नहीं जाता है। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से पक भी जाएगा और उठाते वक्त टूटेगा भी। साइड से थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। वैसे बच्चों को तो कम से कम घी नुकसान नहीं करता है, बड़ों को भी नहीं करता है अगर सही मात्रा में खाए। हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बीमारी हो तो थोड़ा कम खाना चाहिए, बाकी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ सही मात्रा में खानी चाहिए, कभी नुकसान नहीं करता।
और ये घी तो मेरा घर का बना हुआ है, मैंने खुद बनाया है। इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे भी आटे से बनी कोई भी चीज जो है आपको कच्ची पक्की नहीं रखनी है, पूरी पकानी है, तब भी उसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो आटा खाते ऐसा भी लगेगा और इसे देखने में तकलीफ भी होती है। देखिए ऊपर से जो है बबल्स आने लगे हैं, अब हम इसे पलट देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है, ये टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके ऊपर से हम घी लगा लेंगे, बहुत अच्छे से घी लगाना है, इसे पलट पलट कर हम सेकना है। इसे हाथ में लेके पकाते हैं इसकी वजह से, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, वो मुझे मेंटली एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन तो मेरी लाइफ टाइम चलने वाली है, मुझे मेरे माइंड को शार्प करना पड़ेगा इसके लिए, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसे बहुत अच्छे से पकाएंगे, इस तरफ से भी घी लगा लेंगे पराठे। चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन चम्मच से क्या है कि मुझे वो टूटने का डर लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश यूज किया है। ये जो आटा होता है इसका टेक्सचर अलग होता है, तो नॉर्मल आलू पराठे से देखने में थोड़ा अलग ही दिखेगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। राजगढ़ के आटे में अपनी नेचुरल स्मेल होती है, तो वो भूनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब ये पराठा बनके तैयार है, इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे। टेस्टी हेल्दी उपवास आलू पराठा बनके तैयार है, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।